हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिका त्रिपाठी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बनाएंगे पुरानी बास्केट से जन्माष्टमी के लिए बहुत ही सुंदर सा अपने कान्हा के लिए झूला। तो ये देखिए, यहाँ पर बास्केट में मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रेम को सेट कर लिया है। उसको अंदर से मैं टक कर दूँगी सुई धागे की मदद से। और यहाँ पर एक मैंने पुराना ब्लाउज पीस लिया है जो बास्केट को कवर करने के लिए यूज होगा। ये देखिए, इस तरीके से बास्केट को कवर कर लेंगे ब्लाउज की मदद से। ये झूला हमारा जीरो अप कॉस्ट है और बहुत ही टिकाऊ है और मजबूत है। इस तरीके से इसको टक करने के बाद से हम फ्रेम को भी इसमें सेट कर लेंगे। फ्रेम को धागे की मदद से दोनों तरफ से हम अच्छी तरीके से बांध देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने धागे की मदद से फ्रेम को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर कोई ग्लू गन ग्लू किसी चीज़ का भी यूज नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही टिकाऊ झूला बनकर तैयार होगा। अब इसके अंदर एक बेस देने के लिए आप चाहे तो इसमें फोम या रुई भर सकते हैं। यहाँ पर मैं कागज़ डाल रही हूँ और उसके ऊपर से उसी साइज़ का गोल कलर का मैंने कार्डबोर्ड काट कर लगाया है। और इस पर एक थोड़ा सा येलो कलर का मैं कपड़ा इस पर चिपका दे रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर एक मैं लेस लगा रही हूँ, चारों तरफ से इसको कवर कर दूँगी। ये देखिए, हमारी लेस चारों तरफ से लग गई है। अच्छे तरीके से हम कवर कर देंगे चारों तरफ एक गोलाई लेकर इस तरह से। अब ये देखिए, सेंटर में मैं थोड़ा सा इसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए अंदर में मैं रेड कलर का लेस लगा रही हूँ। हमारा नीचे का पार्ट बनकर रेडी है। अभी हम जो फ्रेम लगाया था उसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं रेड कलर का इस पर भी कपड़ा लपेट रही हूँ। नीचे हमने येलो लगाया है, इसलिए मैंने कंट्रास्ट में ऊपर येलो लगा रही हूँ। ये बहुत इजी, इसको ना तो सिलना है ना ही चिपकाना है। इस कपड़े को मैं लेस की मदद से चारों तरफ से इसमें बांध लूँगी। इस तरीके से देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको चारों तरफ से लेस की मदद से ऐसे बांधते चले जाएंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। हमारी लेस लग गई है। अब इस पर हम झूले के लिए देखिए क्या जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक प्लास्टिक का एक ढक्कन लिया है और इस पर मैं कपड़ा लगा दे रही हूँ और चारों तरफ इस तरीके से लटकन वाली लेस। आप कोई भी लेस लगा सकते हैं जो आपके पास है। इस तरीके से इसको हम हैंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मोतियों की माला ली है, उसकी मदद से इसको हम हैंग कर देंगे। इस तरीके से दोनों साइड बराबर करके ये देखिए, हमारा झूला हैंग हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पर हम मोर पंख लगा देंगे। अब चाहे तो चारों तरफ मोर पंख लगा सकते हैं, बट मैं साइड में ही मोर पंख यूज कर रही हूँ इस तरीके से। और आपके पास जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है आप लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर झूला खींचने के लिए भी मैंने मोती की एक रस्सी जैसी बना दी है इस तरीके से। और ये मेरे पास कुछ किनारे गोटे पड़े हुए थे, उनको मैं साइड साइड में लगा दे रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा काना का सुंदर सा झूला बनकर तैयार है। इस तरीके से आप इसमें फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है। इस झूले को आप सालों साल उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। हम जन्माष्टमी के दिन इसमें अपने काना को बिठाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।